रुकते हैं प्रदेश की ओर। आरएसएस जिला संचालक इंदर सिंह डोगरा ने बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस विधायक बंबर ठाकुर पर आरोप लगाए हैं कि वे अकारण ही आरएसएस को बदनाम करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर गलत, अनुचित और आधारहीन दुष्प्रचार कर रहे हैं। बिना तथ्यों की जानकारी तथा किसी के बहकावे में आकर इस प्रकार की अभद्रता करना असहनीय है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि पूर्व विधायक उनसे माफी नहीं मांगते हैं तो वे कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। आरएसएस जिला संघ चालक इंदर सिंह डोगरा ने बिलासपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेसी विधायक बंबर ठाकुर पर आरोप लगाया है कि वे आकरण ही आरएसएस को बदनाम करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया फेसबुक पोस्ट डालकर गलत, अनुचित और आधारहीन दुष्प्रचार कर रहे हैं। बिना तथ्यों की जानकारी तथा किसी के बहकावे में आकर इस प्रकार की अभद्रता करना असहनीय है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि पूर्व विधायक उनसे माफी नहीं मांगते तो वे कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। मामले पर अपना पक्ष रखते हुए इंदर सिंह डोगरा ने कहा कि वास्तव में चांदपुर महल में उनके परिवार के सदस्यों द्वारा एक निजी संस्थान खोला गया है, जिस संस्थान को जाने वाले रास्ते को एक निजी अस्पताल चलाने वालों ने बंद कर दिया। ऐसे में उनके परिवार के सदस्यों द्वारा चलाए जा रहे निजी संस्थान को आने जाने वाले सैकड़ों बच्चों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि संस्थान को जाने वाला रास्ता वर्षों से एक गोहर पशुओं को ले जाने वाले रास्ते के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन इस गोहर को कथित राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत ने अस्पताल चलाने वाले व्यक्ति द्वारा अपने नाम करवा लिया, जिसकी किसी को भी भनक तक नहीं लगी। अब तक उस संस्थान के सार्वजनिक के रास्ते को पूरी तरह से बंद करके आवागमन ठप कर दिया गया है, तो उनके परिवार के सदस्यों ने आपत्ति उठाई है और प्रशासन से इस रास्ते को खुलवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा किंतु अब पूर्व विधायक द्वारा इसे राजनीतिक रंग देकर अनुचित प्रहार करके आरएसएस को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया है। उन्होंने कहा कि यदि इस कुप्रचार को बंद नहीं किया गया तो इसके लिए माफी नहीं मांगी गई तो वे अदालत में मानहानि का मुकदमा करेंगे। दो दिन पहले श्री बंबर ठाकुर जी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने चांदपुर में एनआर हॉस्पिटल के बारे में और उनकी जमीन को हड़प करने के बारे में आरएसएस का नाम घसीटा है। उसमें आरएसएस का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी आरएसएस के नेता की वहां कोई जमीन है। अगर वहां पर जमीन है तो उसको अगर किसी ने गलत ढंग से जमीन ली होगी तो उसका उस ढंग से विवाद जो है उसको जो सरकार है वो अपने हिसाब से देखेगी, प्रशासन अपने हिसाब से देखेगा। आरएसएस का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। आरएसएस के नेता के संबंधियों की अगर जमीन है तो उसमें आरएसएस को क्यों घसीट रहा है ये नेता? तो आरएसएस किसी भी प्रकार से इस मसले में इन्वॉल्व नहीं है। का के ऊपर जो ब्लेम लगाया है ये पूर्ण रूप से निराधार है। यहाँ पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे बिलासपुर की ओर, जहाँ पर ठंड का प्रकोप जारी है।